हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास सिक्स मैथ्स वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 19 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज एक्सरसाइज 19A एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 इवेल्युएट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज -7x + 9x + 2x - 2x। बेटा सी सेम फंडा जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 इवेल्युएट वाले में लगाया था वही फंडा इसमें एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या है, माइनस की टर्म है और ये भी क्या है, माइनस की। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो लाइक टर्म है, कोई अनलाइक तो नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर आपको आगे सम करना पड़ेगा। ये दोनों लाइक टर्म है और दोनों सेम साइन की है, मतलब सेम पार्टी वाली हैं। ये भी दोनों लाइक हैं और ये अलग से सेम पार्टी की हैं। चलो इनको इकट्ठा करें, 7 + 2, इसको ऐसे लिख लो भाई, मैं तो अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, बट आप अभी छोटे हो तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठी करो, 7 + 2 कितना हो गया 9x, माइनस इनका साइन है, माइनस वाली पार्टी से इकट्ठी हुई हैं तो माइनस आके लगेगा, ठीक है। तो ये प्लस वाली इकट्ठी हो रही है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। 9 + 2 क्या हो गया, 11x। स्ट्रॉन्गर टीम कौन सी है, 11 वाली, 11 में से 9 को निकाल दो, कितना बचेगा 2x। साइन क्या रहेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की टाइम पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। लगाने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी चल रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 5ab। पहले तो देखो सारी लाइक हैं, हाँ जी सारी लाइक टर्म्स हैं। अब इसमें सेम पार्टी वाली कौन सी है, ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, सेम पार्टी वाली, इनको इकट्ठा लिखो, 5ab + 6ab। अब इनको इकट्ठा कर लो, -2ab - 8ab। अब इनको इकट्ठा कर लो, इसका न्यूमरल कोफिशिएंट 5 है, इसका 6 है, इनको ऐड करो, 6 + 5 कितना हो गया 11। प्लस आगे लगाने की ज़रूरत है, नो प्रॉब्लम, कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों माइनस वाली, इनको इकट्ठी कर लो, 8 + 2 कितना हो गया 10। इसके आगे माइनस लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि माइनस वाली टीम जो है ना वो इकट्ठी हो रही है, माइनस वाले बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, तो अपना साइन आगे लगाएंगे वो। स्ट्रॉन्गर टीम कौन सी है, 11 वाली, मतलब कि पॉजिटिव वाली स्ट्रॉन्गर है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या बचेगा 1ab, प्लस की टर्म आएगी, 1 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ab लिखिए सीधा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, सेम चीज़ वही, इसमें देखिए सभी का लिटरल कोफिशिएंट सेम है, हाँ जी ऑल आर द लाइक टर्म्स। अब इसके साइन पे फोकस करिए ज़रा, ये भी नेगेटिव वाली है, ये भी नेगेटिव की और ये भी नेगेटिव, इन तीनों को, तीनों ही लाइक टर्म है और नेगेटिव वाली है, सेम टीम वाली है, इनको इकट्ठे करने के लिए इकट्ठा करके लिख दीजिए, उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। ये दोनों क्या है हमारे पास, पॉजिटिव वाली है, इन दोनों को इधर इकट्ठा करके लिख दीजिए, आगे पीछे लिख के जाओगे। हाँ एक चीज़ और भाई, ये मत सोच लेना कि हाँ मैं इसको यहाँ से उठा के इधर लेके जा रहा हूँ तो इसका साइन चेंज कर देना, जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो साइन चेंज कर देना, ऐसे नहीं होता। इसमें वो कोई फंडा नहीं होगा कि इधर लेके जा रहा हूँ उधर लेके जा रहा हूँ तो साइन चेंज होगा, जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं बताऊँगी। सीधा इसका जो साइन है उस साइन के साथ इसको लेके आना है भाई, ठीक है बच्चे। ओके, अब देखिए 8 है 3 है 6 है, ऐड करिए इनको, 8 + 3 11 11 + 6 17। माइनस वाली इकट्ठी हो रही थी तो माइनस लगेगा आगे। 13 + 12 25। स्ट्रॉन्गर टीम कौन सी है, 25 वाली, 25 में से 17 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, हाँ 8 आ जाएगा, 8a, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास, 19ab - 11ab + 14c, ऑल आर द लाइक टर्म्स, लिटिल कोफिशिएंट इज सेम इन ऑल केसेस, राइट। अब पॉजिटिव वाली टर्म, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा बच्चे, तो ये किसकी टर्म है, प्लस वाली, ठीक है, और ये भी क्या है, प्लस वाली, दोनों को इकट्ठे करके लिखो, 19ab + 14abc। अच्छा जी, ये भी दोनों नेगेटिव वाली है, मतलब सेम पार्टी वाली है, ये भी इकट्ठी होंगी तो इनको भी लिख दो, एक साथ लिख दो इनको भी,
ठीक है बच्चे, 19 के अंदर आप 14 को ऐड करो, कितना हो गया 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 4 29 प्लस 4 33। दोनों सेम पार्टी वाली हैं, इनको इकट्ठे कर दो, 11 प्लस 10 22, ठीक है 22 प्लस 2 11 प्लस 10, यार क्या कर रही हूँ मैं, भी गलत कर रही हूँ, 11 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 21, 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, वैसे भी 11 11 करके हो जाना था इसलिए मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रही थी, 23 इसको सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया 10 ए बी सी इज द रिक्वायर्ड आंसर, 33 में से 23 को निकालोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्गर टीम है तो इसका साइन क्या है प्लस, तो एंड में क्या आएगा साइन प्लस, लगाने की ज़रूरत नहीं है भैया, इसको माइनस मत समझ लेना, ऐसे ही लगा दिया मैंने, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।